जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। ललन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातिगत जनगणना पर कैसे प्रभावित हो रहा है और मुकदमे कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है और आगे भी खेलेगी, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले का अवलोकन कर रही है और आगे जल्द उचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना और जातीय गणना अलग अलग चीजें हैं, जातीय गणना भी एक सर्वे है। वो सब काम कर रहे हैं तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। लेकिन जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये विश्लेषण किया था और ये निर्देश दिया था कि सभी राज्यों में गणना कराई जाए, सभी जात के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। आप नीचे की जरूरत तो अगर राज्य सरकार बिहार में अगर जातीय गणना करा रही है तो जातीय गणना को और जातीय जनगणना दो अलग अलग चीज है, एक को कैसे मिला दीजिएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय के और पंचायत के चुनाव के लिए ये निर्देश दिया ना कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, तो ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, वही सर्वे है। सर्वे वही है। हम रोड बनवाते हैं, हम सड़क बनवाते हैं, हम पुल बनवाते हैं तो सर्वे करते हैं ना, सर्वे के आधार पर ही हम करते हैं कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं जरूरत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है। तो इसलिए जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं जो वाले लोग वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन इतना बता दें कि गाजियाबाद का व्यक्ति, गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है, मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का। हम करते हैं कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं जरूरत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है। तो इसलिए जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं जो वाले लोग वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन इतना बता दें कि गाजियाबाद का व्यक्ति, गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है, मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का आदमी।